तो हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप दोस्तों। आज मैं आपको बताने वाला हूं, मैंने अभी कुछ दिन पहले एक वीडियो बनाई जिसमें मैंने बताया था कि सैमसंग का A52s वाला जो मॉडल है उसके अंदर एक नया अपडेट आया है। उस नया अपडेट होने के दोस्तों उसमें एक बग को मैंने फेस करा है और मेरे एक सब्सक्राइबर ने भी मुझे कमेंट करके बताया कि उसमें एक बग्स को फेस किया गया है। दोस्तों वो बग ये है कि वहां पर अब क्या हो रहा है, अगर आप नेट यूज करते हैं उसमें तो नेट की स्पीड है ना स्लो हो गई है, बोल सकते हैं नेट स्लो वर्क कर रहा है। आगे आपको वीडियो में कुछ टिप्स या ट्रिक्स बताने वाला हूं जिसको अगर आप फॉलो करेंगे तो आप वहां पर काफी हद तक अपने मोबाइल का जो इंटरनेट है उसको बूस्ट कर पाएंगे या फिर बोल सकते हैं इंक्रीज कर पाएंगे। तो दोस्तों वीडियो को स्किप मत करिएगा, वीडियो को पूरा देखिएगा तो ही आप समझ पाएंगे। चलते हैं आगे। मेरा नाम सनी अरोरा और आपका स्वागत है मेरे चैनल ऐसे टेक में। तो दोस्तों जैसा कि मैंने बताया, मैं आपको बताने वाला हूं कैसे आप अपने मोबाइल की इंटरनेट स्पीड को बूस्ट कर पाएंगे। आपके पास कोई सा भी सैमसंग का मोबाइल हो तो आप इसको यूज कर सकते हैं उस ट्रिक को। तो उसके लिए सबसे पहले आपको करना क्या है, आपको अपने मोबाइल का पहले तो नेट को ऑफ कर लेना है। नेट को ऑफ करने के बाद यहां जाना है अपने मोबाइल की सेटिंग पे। मोबाइल की सेटिंग पे जाने के बाद यहाँ ऊपर की तरफ आएंगे आप, यहाँ पर आपको जाना है जनरल मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे। जनरल मैनेजमेंट वाले ऑप्शन पे जाने के बाद आपको नीचे की तरफ आएंगे, यहाँ ऑप्शन मिलेगा रीसेट का, आपको रीसेट वाले ऑप्शन पे जाना है। वहां पर जाने के बाद एक आपको ऑप्शन मिलेगा सेकंड नंबर पे, रीसेट नेटवर्क सेटिंग, आप देख रहे होंगे रीसेट नेटवर्क सेटिंग नाम से ये ऑप्शन मिलेगा आपको, उसके अंदर चले जाना है। यहां पर आप देखेंगे क्या होगा, दिस विल रीसेट नेटवर्क सेटिंग इंक्लूडिंग डॉस फॉर वाईफाई मोबाइल डेटा एंड ब्लूटूथ की जो भी नेटवर्क सेटिंग हो ये यहां पर वो कर देगा, रीसेट कर देगा। तो आपको इस पर क्लिक करके पहले तो उसको रीसेट कर लेना है, जो भी आपका पासवर्ड है यहां पर आपको अपना पासवर्ड डालना है और उसको यहां पर रीसेट कर लेना है। ये मैंने यहां से उसको रीसेट कर दिया, ठीक है। तो सबसे पहले आपको उसको रीसेट कर लेना है, पर एक चीज ध्यान रखना है, इससे आपकी जो भी नेट वाईफाई कनेक्टेड है वो फॉरगेट हो सकता है। तो पहले अगर ये आपको पासवर्ड ध्यान हो तो ही करना, नहीं तो आप ये वाले स्टेप को स्किप करके भी आप ट्राई कर सकते हैं, उससे भी आपको काफी हद तक हेल्प मिल जाएगी, ठीक है। फर्स्ट स्टेप तो ये हो गई, उसके बाद आपको बैक आना है। बैक आने के बाद आपको करना क्या है, यहाँ जाना है अब कनेक्शन में। कनेक्शन में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ मोबाइल नेटवर्क में। मोबाइल नेटवर्क में जाने के बाद आपको जाना है एक्सेस पॉइंट में। एक्सेस पॉइंट नेम में आपको जो भी सिम होगी, जैसे मेरी एयरटेल की है तो एयरटेल का दिख रहा है, तो यहाँ पर आपको करना है थ्री डॉट पे और इसको रीसेट टू डिफॉल्ट पे क्लिक कर देना है। तो आपको इसको भी रीसेट कर लेना है। रीसेट करने के बाद यहां से बैक आना है और यहां पर सबसे ऊपर आपको डाटा रोमिंग दिख रहा है तो उसको ऑलवेज ऑन करके रखें। इससे क्या होता है कि अगर आप कभी नेट जो कभी कोई दूसरी कंपनी से भी कनेक्ट होता है तो ऑटोमेटिक जो नेट की स्पीड में आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, आप बोल सकते हैं नेट आपकी कनेक्टिविटी रुकती नहीं है, तो उसको भी ऑन कर लीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ता, आजकल कोई चार्ज नहीं लगता, तो इसको भी ऑन करके रखना, ठीक है। उसके बाद आपको करना क्या है यहाँ जाना है आपको अपने मोबाइल के कोई से भी ब्राउजर पे। तो मैं आ गया हूँ यहाँ गूगल क्रोम पे। यहाँ आने के बाद आपको जाना है थ्री डॉट्स पे। थ्री डॉट्स में जाने के बाद आपको जाना है यहाँ सेटिंग पे। सेटिंग पे जाने के बाद आपको जाना है यहाँ पर, सेटिंग में जाने के बाद आपको जाना है प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे। यहाँ पर प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी वाले ऑप्शन पे जाएंगे। यहाँ पर जाने के बाद आपको करना क्या है, सबसे ऊपर आपको दिख रहा होगा क्लियर ब्राउजिंग डेटा, आपको उस पर क्लिक कर लेना है। उस पर क्लिक करने के बाद ऑल टाइम पे क्लिक करना है। वहां पर आपको करना है कैच इमेजेस एज फाइल पे भी कर लेना, कुकीज एंड साइट डेटा पे आपको उसको क्लिक कर लेना है और इसको क्लियर डेटा कर लेना है। यहाँ पर आपको जो भी सब मिलेगा आपको क्लियर पे उसको क्लिक कर देना है। ये सब क्लियर करने के बाद अब आपको करना क्या है, अपने मोबाइल का पहले तो यहाँ पर आप फ्लाइट मोड पे ऑन करके या फिर मोबाइल को स्विच ऑफ ऑन करके आप ट्राई करेंगे और उसके बाद यहाँ पर इसको मैं कर देता हूँ ऑन। अब आप यहाँ पर यूज करके देखेंगे तो काफी हद तक आपकी जो नेट की स्पीड है वहां पर इंक्रीज हो गई होगी। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं कोई आपको थर्ड पार्टी वो नहीं बता रहा है कि ऐप डाउनलोड करो बैंड नेटवर्क चेंज करने के लिए, आप बोल सकते हैं बैंड सिलेक्शन के लिए। मुझे नहीं लगता कि उससे कोई फर्क होता होगा, शायद होता भी होगा, पर मैं थर्ड पार्टी ऐप को खुद यूज नहीं करता ना। मैं अपने सब्सक्राइबर को कहूंगा कि आप थर्ड पार्टी ऐप यूज करो, आप इससे यूज करेंगे तो काफी हद तक आपको वहां पर हेल्प मिल जाएगी। अब मैं आपको ले जाता हूं ये यहां पर स्पीड टेस्ट पे। स्पीड टेस्ट पे आने के बाद मैं आपको यहां पर यूज करके बता रहा हूं, मैंने अभी रिसेंटली इसको ऑन कर लिया, अब मैं इसको टेस्ट कर लेता हूं। आप टेस्ट करने के बाद आप देखेंगे यहां पर जो उसकी स्पीड है काफी हद तक इम्प्रूव हो गई होगी। पहले आपको मैंने नहीं दिखाया यार, थोड़ा तो भूल गया, बट पहले से काफी हद तक ये बूस्ट हो गई होगी। पहले भी मैं इससे रिलेटेड वीडियो बना चुका हूं जिसमें मैंने एक साल पहले बताया था, बट इस अपडेट के बाद मुझे तो यार बग्स बहुत फेस हुए, पर मुझे ऐसा लग रहा था मेरे साथ हो रहा था, पर एक सब्सक्राइबर ने मुझे कमेंट करके बताया कि उस अपडेट के बाद ऐसा हुआ है, तो मैंने कहा आपको सोल्यूशन दिया जाए और इस सोल्यूशन को आप हो सकते हैं ट्रिक को आप यूज करके देखेंगे, डेफिनेटली आपका नेट की स्पीड इंप्रूव होगी। तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताना कि इससे आपको जो भी
आपकी प्रॉब्लम थी वो रिजॉल्व हुई या नहीं हुई, और अगर आपकी प्रॉब्लम रिजॉल्व हुई तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करना ना भूले और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो थैंक यू दोस्तों। तो दोस्तों मुझे उम्मीद है कि आपको ये मेरी वीडियो पसंद आई होगी। दोस्तों अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो प्लीज़ लाइक जरूर करें, और अगर आपको लगता है दोस्तों मेरी वीडियो कुछ कमी तो मुझे डिसलाइक कर सकते हैं। अगर आप मुझसे कुछ पूछना चाहते हैं इस वीडियो से रिलेटेड या कुछ भी, आप मुझे डायरेक्टली कमेंट करके पूछ सकते हैं या फिर आप मैं डायरेक्टली इंस्टाग्राम पर DM करके ही पूछ सकते हैं। और सबसे जरूरी चीज़, अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ यार चैनल सब्सक्राइब करना ना भूले, और साथ में नोटिफिकेशन वाले आइकन को भी दबाना ना भूले, और हो सके तो मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक फॉलो करना भी ना भूले। इसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद।